नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने टॉम लैथम की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की खतरनाक तेज गेंदबाजी ने शुरुआत से ही भारतीय टीम के इन दो ओपनर बल्लेबाजों को दबाव में रखा और उन्हें रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिसने दोनों ही खिलाड़ियों पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। और इसी दबाव के बीच फंसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को टीम सऊदी ने इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में बस 2 ही रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब विराट कोहली बल्लेबाजी पर आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए विलियम ओरुक ने विराट कोहली को भी ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो वहीं विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए सरफराज खान को भी उसके अगली ही ओवर में मैथ हेनरी ने डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। सरफराज खान भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने केवल 10 रनों के भीतर अपने 3 बड़े खिलाड़ियों को अब खो दिया था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत उतरे थे और फिर यहां से ऋषभ पंत और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक एक रन के लिए तरस रही थी। अब यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की यह साझेदारी 21 रनों की हो चुकी थी कि तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए विलियम ओरुक ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को एजाज पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 63 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब अपने एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को खो दिया था। भारतीय टीम की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी कर रहे विलियम ओ रुक ने केएल राहुल को भी टॉम ब्लैंडल के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में एक भी रन नहीं बना पाए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को भी मैथ हेनरी ने एजाज पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम ने केवल 34 रनों पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पर आग बरसा रही थी। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन उतरे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को भी उनकी पहली ही गेंद पर मैथ हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में एक और खिलाड़ी बने जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम का 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लगने लगा था। अब सेट हो चुके ऋषभ पंत का साथ देने कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस बल्लेबाज से अब भारतीय दर्शकों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी बल्लेबाज यानी ऋषभ पंत को मैथ हेनरी ने टॉम लैथम के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 49 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के 8 विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी विलियम ओ रुक ने मैथ हेनरी के ही हाथों कैच आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन आखिरी विकेट भी मैथ हेनरी ने ही निकाला और कुलदीप यादव को मैथ हेनरी ने ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कर दिया और अपने 5 विकेट इस पारी के पूरे कर लिए। और इसी के साथ भारतीय टीम की यह पहली पारी केवल और केवल 46 रनों पर ही रुक गई।
उसके बाद भारतीय टीम से मिले पहले पारी के 46 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जिस मैदान पर भारतीय टीम को एक एक रन बनाने में मुश्किलें आ रही थीं, उस मैदान पर न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। डिवॉन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दबाव में डाल दिया था। कोई भी भारतीय टीम का गेंदबाज न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय टीम की पहली पारी के स्कोर को अकेले ही हासिल कर लिया और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। तो वही दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे डिवॉन कॉनवे ने रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान टॉम लैथम और डिवॉन कॉनवे की यह साझेदारी अब 67 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को LBW आउट कर दिया। कप्तान टॉम लैथम 49 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज विल यंग ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और भारतीय बल्लेबाजी की तरह लगातार न्यूजीलैंड के विकेट गिरने नहीं दिए, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की परेशानियां बढ़ा दी थीं। फिर एक बार अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक और साझेदारी बन रही थी। डिवॉन कॉनवे जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। विल यंग और डिवॉन कॉनवे की अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। इस साझेदारी को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब विल यंग और सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे की यह साझेदारी 75 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके विल यंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। विल यंग 73 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। बड़े समय बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था। रविंद्र जडेजा ने एक अहम साझेदारी अब तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डिवॉन कॉनवे को इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 105 गेंद में 91 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने यह पूरा मुकाबला अब पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर एक बार रचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर न्यूजीलैंड की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। इस दूसरे दिन के अंत में यह दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे, और फिर इस दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड की टीम ने डेरियल मिचेल और रचिन रविंद्र की इस साझेदारी के बदौलत 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 134 रनों की बढ़त भारतीय टीम के ऊपर बना ली है। अब इस टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड का पलड़ा बहुत ही भारी दिख रहा है, लेकिन भारतीय टीम इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इस मुकाबले में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय टीम के लिए इस तीसरे दिन संकट मोचक बनकर आए उनके सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे डिवॉन कॉनवे की, जो केवल 9 रनों से अपने शतक से चूक गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक नाजुक मौके पर आकर यह बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया और इस मुकाबले में भारतीय टीम की फिर एक बार वापसी कराई। तो दोस्तों, आप इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविचंद्रन अश्विन की इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।